अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बलोची ड्रेस की कटिंग करना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए इंची टेप और चौक की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही आसान कटिंग है, कोई टिपिकल नहीं है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले आपको आपके लिए लाजमी है कि आप मेरी पहले की दो वीडियोज़ देखें, जिससे मैंने बलोची ड्रेस की मेजरमेंट लेना और बलोची ड्रेस की स्केचिंग करना सिखाया है। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो मेजरमेंट मैंने आपको लेना सिखाई थी, जो मेजरमेंट आपने बताई थी, दोबारा दिखा देती हूँ। ये नॉर्मल ड्रेस की मेजरमेंट है। इसके लिए आपको 2 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा। कपड़ा हमने खोल लिया है, फोल्डेड है। इस कपड़े की चौड़ाई कुछ ज़्यादा चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल ड्रेस के लिए ठीक है। तो बलोची ड्रेस के फ्रंट की लेंथ जो मैंने बताई थी, वो टोटल 44 इंच आ रही है, तो 44 इंच पे मार्क कर लेंगे। इंच मार्क कर लिया, अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे। हमने काट लिए 44 इंच की लेंथ पर, अब इसकी चौड़ाई की मेजरमेंट लेंगे। चौड़ाई हमारे पास है 15 इंच सिलाई और कटिंग के साथ, मार्क कर लेंगे और इसे भी 15 इंच पे कट कर देंगे एंड तक के। ये हमने दोनों पीसेस को अलग कर लिया है कट करके। अब इन दोनों को भी अलग कर देंगे, ये फ्रंट हो जाएगा और ये बैक हो जाएगा। फ्रंट और बैक बलोची ड्रेस में सेम होते हैं, तो अब इन दोनों को अलग कर लेंगे। दोनों पीसेस को हमने अलग कर लिया है, फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी हो गई है, इसे साइड कर देंगे। और ये जो कपड़ा इसके साइड से निकला है, कपड़े की विड्थ को ज़्यादा इतनी नहीं है, तो आस्तीन में जॉइंट है, और हमने कपड़ा भी सिर्फ 2 मीटर का लिया है, तो कम पड़ेंगी। और आस्तीन हम इस तरह करके नहीं ले सकते, क्योंकि पट्टियाँ इस तरह आएँगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। इसी लेंथ में लेंगे तो ये लेंथ कम पड़ जाएगी, इसीलिए हम ये कपड़ा साइड में से जॉइंट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट की कटिंग की जाती है, उसके बाद साइड जॉइंट यानी पासा की कटिंग की जाती है। पासा की लेंथ हमने जो ली थी वो 26 इंच है, 3 इंच कटिंग और सिलाई के, और 4 इंच जो लेंस ना लगाने की वजह से जो हमने ऐड करे थे, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। 33 इंच है पासा की लेंथ, 33 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब इसे भी कट कर देंगे। पासा की लेंथ हमने कट कर ली है, ये 2 हैं, दोनों साइड के हैं। अब विड्थ ले लेंगे। विड्थ हमने जो मेजरमेंट की थी उसकी 23 आ रही है, सिलाई के रखने के बाद 23 इंच है। कम पड़ रहा है, क्योंकि कपड़े की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, और पासा में जॉइंट नहीं किया जाता, यानी साइड जॉइंट में जॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसकी लेंथ में अगर थोड़ी बहुत कमी भी आ जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, चल जाता है। लेंथ इतनी रहने देंगे जितनी कपड़े की है, बस इन दोनों पीसेस को अलग कर देंगे, दोनों साइड का हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड के जॉइंट्स हो जाएंगे, पासा बन जाएंगे। दोनों पासा साइड जॉइंट मैंने अलग कर ली हैं, अब इसे साइड पर कर देंगे। पासा के बाद हमेशा आस्तीन कट की जाती है, फिर उसके बाद पॉकेट।
अब जो कपड़ा बच गया उससे आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन के लिए भी कपड़ा कम पड़ रहा है और पॉकेट के लिए भी, तो हम इसी कपड़े में से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आपको ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। इस तरह फोल्ड करिए, कपड़ा पहले से डबल फोल्डेड है, डबल है, और उसे इस तरह फोल्ड करेंगे। हमारी मोंढे की जो लेंथ है, मोंढे की जो लेंथ है वो 13 इंच है, तो 13 इंच ही रख कर 13 इंच के हिसाब से फोल्ड करेंगे कि ये 13 इंच आना चाहिए। देखिए ये पूरा 13 इंच आ रहा है, यहाँ से कट हो जाएगा। इस वाले पीस को अलग कर लेंगे, यहाँ से पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे, लेंथ मार करके कट कर देंगे। लेंथ हमारे पास है 21 इंच, आस्तीन की लेंथ 21 इंच सिलाई के साथ। मार्क कर देंगे 21 इंच पर और फिर कट कर देंगे। आस्तीन की लेंथ कट कर दी है, ये फोल्ड करके मैंने आपको बता दिया था। जो फ्रंट निकालने के बाद जो हमें हमारे पास जो कपड़ा बच गया था, जिसका मैंने बताया था आस्तीन में यूज़ करेंगे, जॉइंट आएगा, कपड़ा कम है, वो यहाँ इस तरह रख के थोड़ा सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इस तरह सिलाई के लिए थोड़ा रखेंगे, आधा इंच तक के, और ऐसे करके लेंथ पर रख कर कट कर देंगे। मोंढे की लेंथ हमने 13 इंच ली थी और आस्तीन की जो विड्थ मैंने बताई थी, आस्तीन की विड्थ 7 इंच सिलाई के बाद, तो 7 इंच पे मार्क कर देंगे। कट कर देंगे। ये हमने 6-7 इंच पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे सेंटर का, छोटा सा बस, ताकि हमें पता चले कि सेंटर क्या है। अब हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए भी हमने कपड़ा, आप हो सके तो 2.5 मीटर का ले लीजिएगा, मैंने 2 मीटर का लिया है, तो मैं ज्वाइन कर करके बना रही हूँ। लेकिन ये आस्तीन का जॉइंट को इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन पॉकेट भी जॉइंट से बनेगी, लेकिन इसके ऊपर जब लेस आ जाएगी तो ये जॉइंट नज़र नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है इस पर। पॉकेट की लेंथ हमने मेजर की थी 20.5 इंच। ये 2 पीसेस हैं, 20.5 इंच। मार्क कर देंगे और कट कर देंगे। 20.5 इंच की लेंथ पर हमने कट कर दिया है। अब इस जॉइंट इस तरह होगा कि यहाँ से 1/2 इंच की सिलाई कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, ओनली 1/2 इंच। ये जो चौक से मार्किंग करी है वहाँ हम स्टिच कर लेंगे, तो हमारा जॉइंट कुछ इस तरह दिखेगा। यूँ अब हम विड्थ देख लेते हैं कितनी है हमारी पॉकेट की विड्थ। पॉकेट की विड्थ है 9.5 इंच, 9.5 देख लेंगे, 8 इंच आ रही है, 8.5 इंच आ रही है, इंच कम पड़ रहा है, तो कोई इतना मसला नहीं होता। पॉकेट हर कोई अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, चौड़ी उससे कम विड्थ की, तो ये 1 इंच का फ़र्क आ रहा है, तो हम सिलाई में कम कपड़ा मोड़ेंगे तो ये ठीक रहेगा, कुछ ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये चल जाएगा। बलोची ड्रेस में अपने हिसाब की मेजरमेंट चलती है। अब ये पॉकेट बनानी भी इतनी आसान है, ये वाली स्टिच करने के बाद पॉकेट में यहाँ से स्टिच करेंगे हम, एक यहाँ से, ये वाले स्टिच करने के बाद
यहाँ से आधे इंच की स्टिच कर लेंगे यहाँ से भी, तो हमारा पॉकेट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा इस तरह। और फिर कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे, खुद ही वो नोक जो पॉकेट की आती है वो आ जाएगी। तो व्यूअर्स, मैंने आज आपको बलोची ड्रेस की कटिंग करना सिखाने की पूरी कोशिश करी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखने का शुक्रिया।